रामगढ़ताल पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि रामगढ़ताल पुलिस टीम के द्वारा 20 जनवरी को रात्रि गश्त के दौरान आजाद चौक पर स्थित पूजा ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी कर चोरी कर रहे दो शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान हफीजुर रहमान पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी तुलसीपुर हनुमानगढ़ी चौराहा नई बाजार थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर, दूसरा राजकुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय घनश्याम शर्मा निवासी पुरानी बाजार रानी लक्ष्मीबाई मार्ग थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से दो अवैध देसी तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, सोने का हार व लॉकेट, सोने का 5 टप्स, लोहे का राड, पिलास बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, आजाद चौक के चौकी प्रभारी विशाल कुमार उपाध्याय, फलमंडी के चौकी प्रभारी प्रधान यादव, कांस्टेबल मुन्ना कुमार यादव, कृष्णा कुशवाहा सहित सुरेंद्र कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आज सुबह जो है रामगढ़ताल की टीम जो है वहाँ से दो लोगों को गिरफ्तार किया, हफीजुर रहमान और राजकुमार शर्मा, सुबह 4:30 बजे इनको गिरफ्तार किया गया है। ये लोग आजाद चौक पर पूजा ज्वेलर्स के दुकान से नकब लगा के चोरी करने का प्रयत्न कर रहे थे, उसी क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से हफीजुर रहमान के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 1 अदद खोखा और 1 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और राजकुमार शर्मा के पास से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस और पीले धातु के 5 अदद टॉप्स बरामद किए गए हैं। और हफीजुर रहमान के पास से पीले धातु का हार व लॉकेट भी बरामद किया गया। इनका कोई अपराधी इतिहास नहीं, ये लोग जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं और मुकदमा अपराध संख्या 33/22, 34/22 और 35/22, ये 3 मुकदमा इसमें खुल रहा है। और प्रभारी निरीक्षक की टीम और उनके 5 साथी जो हैं, इन्होंने अच्छा कार्य किया है और एक बड़ी घटना को इसके साथ और कोई शामिल नहीं था। सर, इनाम भी कुछ दिया जाएगा टीम को? देखिए, टीम को इनाम करने के लिए हम रिकमेंडेशन देंगे कप्तान साहब।